हाय एवरीवन, और आज हम आपके लिए लेके आए क्रेटा 2024। ये क्रेटा का पर्टिकुलर SX मॉडल है और ये जो आप कलर देख रहे हो बहुत ही डिफरेंट है। क्रेटा में 12 पेट्रोल वेरिएंट आते हैं और 8 डीजल वेरिएंट अवेलेबल हैं। 3 इंजन ऑप्शंस आते हैं। इंजन ऑप्शंस बताने से पहले मैं आपको फ्रंट का कैमरा दिखाता हूँ। ये फ्रंट का जो आप कैमरा देख रहे हो ये 360 डिग्री कैमरे का पार्ट है। इस कैमरे के थ्रू आप फ्रंट हर्डल्स को चेक कर सकते हो। फ्रंट में बात करें ग्रिल की तो ग्रिल पूरा का पूरा रिवाइज्ड है। नीचे जो आप देख रहे हो ये अडास सिस्टम लगा हुआ है। नीचे जो आप बम्पर पे आपने देखा वो अडास का सिस्टम था। हेडलाइट फॉग लैंप बिल्कुल अलग अलग कर दिए हैं। इसमें फॉग लैंप नहीं आता है, इसमें हेडलाइट है और हेडलाइट के थ्रू काफ़ी सही मिलने वाला है। ये सामने जो आप विंडो स्क्रीन पे देख रहे हो ये सिस्टम है अडास सिस्टम। अडास का मतलब होता है एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम। ये जो आप टायर्स देख रहे हो ये 17 इंची के लगे हुए हैं, इसमें अपोलो टायर्स फिट होके आ रहे हैं। ये जो प्रोफाइल देख रहे हो 215/60/17 लगा हुआ है। साइड वाले रियर व्यू मिरर पे कैमरे का पूरा फॉगिंग दिया गया है और कैमरा अवेलेबल है। इसके साथ ही साथ जब आप साइड से जाते हो तो हैंडल जो आपको मिलता है इस पर रिक्वेस्ट सेंसर्स मिले हुए हैं। आप पूरा का पूरा जो पीछे वाला गेट है आप उसे देख सकते हो। जिसके डोर हैंडल्स आते हैं क्रोम में अवेलेबल है। रियर व्हील जब आप चेक करोगे तो रियर व्हील भी सेम 17 इंच का है, 215/60/R17 के प्रोफाइल लगी हुई है। चारों ही व्हील्स पे इन्होंने डिस्क ब्रेक्स लगा के दिए हुए हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ हो गई आज के टाइम में। ये SX मतलब पेट्रोल है, ये पेट्रोल वेरिएंट है क्रेटा SX। ऊपर जब आप जाओगे तो शार्क फिन एंटीना दिया हुआ है, बहुत अच्छा लगता है। साथ में पीछे की साइड ये जो आप LED देख रहे हो ये सिक्वेंशियल LED है, जैसे ऑडी में जलती है वैसे सेम इसमें भी आया हुआ है। साथ का साथ जब आप नीचे आते हो तो नीचे आप देखते हो कि 4 रिक्वेस्ट सेंसर्स मिलते हैं। रिफ्लेक्टर लगा हुआ है और 4 रिक्वेस्ट सेंसर्स लगे हुए हैं पीछे वाले बम्पर में। पूरी की पूरी रनिंग LED स्ट्रिप है। हुंडई के नीचे भी एक और कैमरा लगा हुआ है। गाड़ी में इंटरनल 4 कैमरे, एक फ्रंट पे, एक बैक पे, 2 साइड से। आप साइड से देखोगे तो यहाँ पे एक रिक्वेस्ट सेंसर आ गया। एक और रिक्वेस्ट सेंसर दिखाता हूँ, एक ये रहा रिक्वेस्ट सेंसर। पीछे लाइट भी लगी हुई है और भी रिक्वेस्ट सेंसर, तो 4 रिक्वेस्ट सेंसर है पीछे वाले बम्पर में। ऊपर देखोगे आप तो ऊपर रियर व्यू लाइट है और इसके थ्रू आप सारी चीज़ें कंपेयर कर सकते हो। अगेन हम इस साइड आते हैं, इस साइड अपोलो का टायर लगा हुआ है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे फ्यूल टैंक का कैप दिया हुआ है और आपका फ्यूल लेफ्ट टैंक से भरा जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड से भरा जाएगा। यहाँ पे कुछ डिटेल्स है ऑफिशियल जो गाड़ी की तरफ आती हैं। रियर व्यू पे आपके जो शीशा है, शीशे पे आपको प्रॉपर वो मिलता है, डिफॉगर मिलता है। और अब बात करते हैं कुछ फ्रंट की। ये कैमरे का पूरा फॉगिंग है, आप चेक कर सकते हो। अब इंटीरियर्स की बात करते हैं। अब इंटीरियर्स में जो आप बात करो तो इसका जो नया है, पूरा का पूरा जो नया सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट निकल के आया है वो ये है कि सामने स्क्रीन दी गई सबसे बड़ी, और ये इसका USP है। जब आप पीछे बैठोगे तो पीछे के बारे में कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। पीछे कर्टेंस दिए हुए हैं इन्होंने और ये कर्टेंस कंपनी खुद लगा के देती है। सबसे अच्छी चीज़ लगी मुझे क्रेटा में, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बहुत सही हो जाता है। अलग से आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे आपको लॉक अनलॉक का फीचर मिलता है, विंडो रोल डाउन का ऑप्शन मिलता है। बोस का स्पीकर सिस्टम लगा हुआ है इसमें। और जब आप पीछे की साइड आओगे तो स्पेस मैं आपको चेक कर रहा हूँ, तो आई एम 5'11" बाई हाइट। स्पेस काफ़ी अच्छा खासा है और आगे मेरा फ्रेंड बैठा हुआ है, उसका भी हाइट काफ़ी अच्छा खासा है। पीछे की साइड 2 एयरवेंट दे रखे हैं और साथ में 2 सी टाइप चार्जर दिए हुए हैं। पीछे जो जगह दी है ना फ़ोन होल्डर, बहुत अच्छा दिया है। और ऐसा है कि आपका फ़ोन अगर आपने लगा दिया तो गिरेगा नहीं, फॉर श्योर। सनरूफ के बारे में बात करते हैं, बहुत वाइड सनरूफ खुलता है। और सनरूफ का एक सिंगल स्विच दिया हुआ है आगे, उसी से इसका कर्टेन रोल डाउन होता है और सेम उसी से इसका शीशा पीछे आता है। इसके अलावा पूरा का पूरा, हाँ ये इसका LED लाइट बहुत प्यारा लगा मुझे एज़ कम्पेयर टू एनी अदर कार। बहुत अच्छी लाइट है, बहुत अच्छा थ्रो है, जैसा फॉक्सवैगन देता है सेम इन्होंने भी दिया है। कोरियन कजन्स आर वे मोर स्मार्टर। यहाँ पे सीट एडजस्टमेंट के साथ साथ सीट के साथ जो प्री टेंशनर्स लग के आते हैं, सीट बेल्ट प्री टेंशनर्स, यहाँ पे ये जो आप चीज़ देख रहे हो ये हैंडल है, ये लाइट है अच्छी और ये हैंडल अब नीचे हो जाता है। ये मैं अनलॉक करने का ट्राई करता हूँ। आजकल आपने हैक देखा होगा उसके थ्रू, बट अनलॉक हुआ नहीं मेरे से। देखो अब दोस्त कर रहा है मेरा, उसने नीचे कर दिया और दूसरा वाला भी नीचे किया और अब ये देखना लॉक हो जाएगा। एक बार देखना ए ठीक है, अनलॉक हो गया था अभी। हाँ लाइट जला दी,
फ्रंट में देखो, फ्रंट में दो डिस्प्ले दिए हुए हैं, आप मोड भी सिलेक्ट कर सकते हो, ड्राइवर वन ड्राइवर टू, 360 डिग्री कैमरे के साथ आता है, आप जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हो, ये चीज़ काफ़ी ठीक है गाड़ी में। 360 डिग्री व्यू आपको बहुत हेल्प करता है जब आप टाइट पार्किंग स्पेसेस में अपनी गाड़ी को पार्क करते हो। और यहाँ पे एक डिजिटल कार बन के आ जाती है, इसके थ्रू आप पूरा का पूरा मैप देख सकते हो कि आपकी गाड़ी के आसपास कौन खड़ा हुआ है। गाड़ी ने पूरा 3D लेआउट दिखा दिया, ये हर तरफ से रोटेट भी हो जाता है, ये चीज़ अच्छी है। आज है 17 तारीख और मैं 17 तारीख को वीडियो डाल रहा हूँ, 17th of January, और आज से आपको हर दिन रोज़ नई वीडियो मिलेंगे। अब जब मैं कैमरे की अलग सेटिंग्स दिखाता हूँ आपको कुछ, जब मैं बैक कर दूंगा तो यहाँ पे ड्राइवर वन ड्राइवर टू और गेस्ट का फीचर आ जाता है। सामने जो आप ये डिस्प्ले देख रहे हो ये काफ़ी सही सी लगी मुझे, यहाँ पे इन्होंने डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल दिया हुआ है। और एक बारी फ़ोन को कनेक्ट करके देखते हैं, और फ़ोन को कनेक्ट करने के बाद ये सारे फीचर्स हैं, जियो सावन इसमें दिया गया है, ब्लू लिंक टेक्नोलॉजी मिलती है 3 साल के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके लिए आपको कुछ पे नहीं करना पड़ेगा, 3 साल के बाद आपको ब्लू लिंक का एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, एक रिचार्ज होता है। ब्लू लिंक बेसिकली आपको एक पेड सर्विस मिलती है और उसके थ्रू आप ब्लू लिंक एक्टिवेट कर सकते हो। सेटिंग्स पे जाते हैं, सेटिंग्स पे नेविगेशन, साउंड, डिवाइस कनेक्ट, यूजर प्रोफाइल, सारी चीज़ें आती हैं। डिवाइस कनेक्शन में जाके ऐड न्यू पे डाल के आप कनेक्ट कर सकते हो कोई भी चीज़। ब्लूटूथ आ गया, ब्लूटूथ को हमने ऑन किया और अब ब्लूटूथ को कनेक्ट करके देखते हैं। पास की हमने डाला और कनेक्ट हो जाएगा एक बारी में। बट यू नो वॉट, साउंड क्वालिटी ठीक है बट उतना अच्छा नहीं लगा मुझे। FM AM के फीचर्स इसी में मिल जाते हैं। और यहाँ पे ऑटोमेटिक कनेक्ट हो गया इसका एप्पल कार प्ले, बहुत सही चीज़ है। आजकल वायरलेस आ चुका है, क्रेटा में भी वायरलेस आता है, बहुत अच्छा फीचर है। गाने में बजा रहा हूँ इस टाइम पे, गाने आपको सुनाई नहीं पड़ेंगे बट ट्रस्ट मी, जो आवाज़ थी क्लियर थी बट बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है, बहुत क्रिस्प नहीं है, बहुत सोवर आवाज़ है, बस ठीक ठाक है। आगे आपको एक कंट्रोल मिल जाता है, इसी कंट्रोल से अपर जो कर्टिन लगा हुआ है वो रोल डाउन होगा और इसी से विंडो रोल डाउन होगा। यहाँ पे प्रॉपर सनग्लास होल्डर आ जाएगा आपके पास। ये जो आप देख रहे हो ना, ये वेंट लगा हुआ है, एसी का वेंट, और साइड में जो आप ये प्लास्टिक का पूरा पार्ट देख रहे हो ना, इसमें कुछ भी नहीं है, बस डिज़ाइन बनाया हुआ है। बट ट्रस्ट मी, इंटीरियर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, पहले के कंपैरिजन में तो बिल्कुल डिफरेंट कर दिया है। और 6 गियर ट्रांसमिशन लगा हुआ है इसमें, रिवर्स इसमें फ्रंट साइड पड़ता है, लीवर को अप लिफ्ट करके आगे की साइड इसका रिवर्स पड़ता है, ये 6 गियर ट्रांसमिशन है। यहाँ पे आपको पार्किंग ऑप्शन आ जाता है, पी का मतलब था, पीछे की बात करते हैं पहले, पीछे वाली सीट की, आपको पीछे 2 ग्लास होल्डर्स मिल जाते हैं अच्छी फिटिंग के साथ, पीछे कंफर्ट बहुत सही है। आप पीछे वाली सीट पे बैठोगे और जब भी अपना सर टच करोगे तो एक कुशनिंग दी हुई एक्स्ट्रा, ट्रस्ट मी अगर किसी को नेक में पेन रहता तो बहुत कंफर्टेबल है। रियर सीट बहुत कंफर्टेबल बनाई है इन लोगों ने, बहुत अच्छा लगा मुझे वो चीज़। और आप भी एक बार जब भी बैठ के देखोगे चके ना, यू विल लव इट। और अगर आपके पास कोई गाड़ी तो प्लीज़ मंगा लो यार, ये चीज़ बहुत अच्छी चीज़ है इनके पास। आगे भी इन्होंने ग्रैब हैंडल दिए हैं बट ड्राइवर साइड पे ग्रैब हैंडल कोई भी नहीं मिलता, ये चीज़ भी अच्छी है आप बोल सकते हो, बट ड्राइवर साइड पे कोई ग्रैब हैंडल नहीं है। यहाँ पे एसी वेंट्स हैं 2, और इसके साथ साथ आप स्पेस देखते हो, ये जो चीज़ है ना पीछे सीट का पार्ट, ये प्लास्टिक में है पूरा, इसमें रबर में नहीं है। सामने USB सॉकेट मिल जाएगा, 12 बोल्ट का एक सॉकेट मिल जाएगा, और साथ में एक सी टाइप चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगा, USB पोर्ट, सी टाइप चार्जिंग पोर्ट एंड 12 वोल्ट का सॉकेट लगाने के लिए ये पॉइंट मिल जाएगा आपको, ये चीज़ सही है। साइड से जो आप देख रहे हो ना सी टाइप के पास में, ये लाइट है, ब्लिंकर है। अब आगे देखते हैं, ये जो आप स्पेस देख रहे हो सामने, ये स्पेस रबर फिनिशिंग के साथ आता है, तो आप अपना फ़ोन रख सकते हो बिना कवर का, तो बहुत हर्ष चलाओगे गाड़ी तब तो गिर जाएगा वरना नहीं। ये कूल्ड ग्लो बॉक्स का ऑप्शन मिलता है आपको, बहुत सही चीज़ लगी मुझे, कूल ग्लो बॉक्स इज़ अ अमेजिंग पार्ट और ठीक ठाक चीज़ है। इसके अलावा हम बात करते हैं टैकोमीटर की, अमेजिंग टैकोमीटर यार, बिल्कुल डिजिटल बना दिया। डिग्गी की बात करते हैं, एक सबवूफर दिया हुआ डिग्गी में बोस का, और हैच में यहाँ पे कुछ स्पेस है, साइड से एक लैंप भी दिया गया है, उठा के देखते हैं। 16-inch का व्हील मिल जाता है आपको इसके अंदर, और ये अलॉय नहीं था। स्टीयरिंग टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों साइड एडजस्टेबल है, ऊपर नीचे एडजस्ट हो जाता है, आगे पीछे एडजस्ट हो जाता है। ये टेम्परेचर, ये डुअल क्लाइमेट जोन कंट्रोल है, तो आप दोनों साइड टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हो अलग अलग, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल। यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग भी मिल जाती है, ये चीज़ अच्छी है। ये लाइट है जिससे कि पता लग जाए कि ये ऑन है या नहीं है।
यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और ऑटो होल्ड का फंक्शन भी मिलता है। कीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, कीज़ का वही सेम तरीका, पुराना वाला कीज़ है और काफ़ी सही चीज़ है। और गाड़ी काफ़ी ऑल ओवर, लाइक इस स्पेस पे ना आप गाड़ी की कीज़ वगैरह रख दो, पेन वगैरह रख दो, अच्छे से स्टेबल है। रबर मैटिंग के साथ आता है, ये चीज़ अच्छी है। और यहाँ पे आपको एक और सब वूफर मिलता है फ्रंट साइड पे, जैसे स्कॉर्पियो वगैरह में आता है सेम। ये एयरबैग का ऑप्शन दे दिया, यहाँ पे ये वेंट है इसका, ये जो है ना ये प्लास्टिक है, ये बस शोकेस के लिए लगा हुआ है, इस ये फंक्शनल नहीं है। ये फंक्शनल है जो आप एयरबैग ये देख रहे हो, वेंट फंक्शनल है। गेट का व्यू कुछ ऐसा, फ्रंट लेफ्ट डोर का व्यू कुछ ऐसा दिखता है। वो उसका स्पीकर है, 1 लीटर की पानी की बोतल आराम से आ जाएगी यहाँ पे। और कुछ स्पेस है पेन वगैरह के लिए और नोटबुक वगैरह रख सकते हो आप आसानी से। साथ में यहाँ पे ट्विटर मिल जाता है। फ्रंट में यहाँ पे शीशा मिलेगा, यहाँ पे मिरर मिल रहा है, ठीक है। बट जब आप ड्राइवर साइड जाओगे तो वहाँ पे मिरर की अवेलेबिलिटी नहीं है। ये SX मॉडल है, पेट्रोल में SX पेट्रोल है ये। यहाँ पे लाइट है, लाइट का थ्रू बहुत अच्छा है। और कोरियन कजन्स हमेशा से फिनिशिंग बहुत अच्छी देते हैं, ये बात आपको माननी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉनिक IRVM मिलता है आपको, इलेक्ट्रॉनिक है ये। SOS का फीचर भी आता है, ये अंदर डिवाइस